बजरंग दल के संस्थापक और भाजपा के पूर्व सांसद हमारे साथ विनय कटियार जी मौजूद हैं। विनय कटियार जी से आज सीधी बात करते हैं कि 24 और 25 के जो राम मंदिर मुद्दे पर इस वक्त अयोध्या में एक माहौल बना हुआ है, इस पर क्या कहना है विनय जी? इस वक्त जो माहौल तो पूरे देश के अंदर बन रहा है और देश के अंदर नहीं विदेशों के अंदर भी जो रह रहा है हिंदू समाज वो भी आक्रोशित है। ये सब मिल करके पूरे देश के अंदर एक नए सिरे से उबाल आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कानून नहीं बनाया या अध्यादेश नहीं लाए तो स्थिति बहुत बिगड़ेगी देश के अंदर और वो फिर संभालना बहुत कठिन होगा। तो अच्छा होगा समय रहते हुए राम मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ हो, यही कहने के लिए सब लोग आ रहे हैं। अभी तो यहाँ पहली सभा होने जा रही है 25 तारीख को और फिर 24 को शिवसेना के प्रमुख आ रहे हैं, उनका अपना अलग कार्यक्रम है, उनके शायद विधायक केवल आ रहे हैं, मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं है क्या है, अभी हमारी किसी से भेंट भी नहीं हुई है। तो लेकिन कुल मिला करके आपने देखा वातावरण कैसा है अयोध्या का, आज 14 कोसी परिक्रमा में अयोध्या भरी हुई है, परिक्रमा हो गई है 14 कोसी, आज दूसरा दिन है, इसके बावजूद भी अयोध्या भरी है, सड़कों पर अपार भीड़ है, पहले कहाँ रहती थी, पैदल नहीं चल पा रहे हैं। हाँ पैदल नहीं चल पा रहे हैं, इसीलिए हमने कहा ना अपार भीड़ है और कल पंचकोसी परिक्रमा है और उबाल होगा, ये सब आएंगे और बजरंग दल के जो नौजवान हैं अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, अनुशासित है सब, अनुशासन में रहना सिखाया है सबको। अब मेरे पास तो बजरंग दल के हमने काम छोड़ दिया है लेकिन फिर भी इसको खड़ा किया है हमने, तो उसके सारे कार्यकर्ता पूरे अनुशासित हैं, जो भी आदेश होगा उसका वो पालन करेंगे।